गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट एराइल हैलाइड्स. ओके, जिसमें कि हमने पढ़ा था सैंडमायर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्स शीमैन रिएक्शन, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन. तो आपको वो अच्छी तरह से लर्न करनी है. ठीक है, नाउ लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज कमर्शियल लेवल पे अगर आपने क्लोरोबेंजीन बनानी हो तो उसकी प्रोसेस है रैशिक प्रोसेस. इसमें आप क्या करते हैं बेटा, बेंजीन में डालते हैं HCl प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड. बेंजीन प्लस HCl प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी बाहर निकल जाएगा और जो क्लोरीन यहाँ से बेंजीन के हेड पे से हाइड्रोजन रिमूव होगा. यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी बाहर निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा इस पे बेटा क्या जाके लग जाएगा, क्लोरीन जाके लग जाएगा एंड यू विल गेट क्लोरोबेंजीन. सो दिस इज़ कमर्शियल लेवल पे अगर आपने क्लोरोबेंजीन बनानी हो तो आप रैशिक प्रोसेस का यूज़ करते हो. तो इसके साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड फिनिश हो गए. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने अब तक के वीडियोस में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन दोनों प्रिपरेशन कर ली हैं. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 वो भी पढ़ ली हैं. अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हेलो एल्केन की पढ़ेंगे, हेलो अरीन की भी सेम ही है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कलर. तो जो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका जनरली कोई कलर नहीं होता. लेकिन जो एल्काइल आयोडाइड होते हैं, आपको पता है आयोडीन वायलेट कलर की होती है, तो अगर जो हेलो आयोडाइड होते हैं में आयोडीन के कारण कौन सा कलर आ जाता है, वायलेट कलर. वैसे बेसिकली जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं. ठीक है, क्योंकि कहता कि अगर जो एल्काइल हैलाइड होते हैं अगर वो ज़्यादा देर तक सनलाइट में पड़े रहें तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होने पे आयोडीन लिब्रेट हो जाती है. अगर आयोडीन लिब्रेट हो जाएगी तो वायलेट कलर आयोडीन देगी. सिमिलरली जो एलाइल ब्रोमाइड होते हैं वो भी कभी कभी डिसोसिएट होकर कौन सा कलर देते हैं, ऑरेंज कलर देते हैं. बिकॉज जो ब्रोमीन होती है उसका अपना कलर कैसा होता है बेटा, ऑरेंज कलर होता है. ठीक है, तो ये कलर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है. अगर तो बेटा अल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है, जैसे कि R सेम है, RI RBR RCl और RF. अब इसमें देखो R तो सेम है, डिफरेंट क्या है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो एज द साइज इंक्रीजेज, आपको पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है. सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का. तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, जिससे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा. आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन. अगर आपके पास हेलोजन सेम है तो एल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड करेगा. देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, इनमें हेलोजन सब में क्लोरीन ही है. तो अब इसमें आप किसका साइज देखोगे, एल्काइल ग्रुप का साइज देखोगे. यहाँ पे देखो 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन. तो जिसमें का नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसकी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. तो अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो आप हेलोजन का साइज देखेंगे, अगर हेलोजन सेम है तो आप एल्काइल ग्रुप का साइज देखेंगे. ठीक है, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, सपोज कि सभी में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है. देखो इसमें क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, सब में क्लोराइड, सब में क्लोरीन है और सभी में ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल. ठीक है, मतलब सभी में 4 ही कार्बन है, ब्यूट ब्यूट ब्यूट. तो कार्बन भी सेम है और हेलोजन भी सेम है. तो अब आप फिर इसमें क्या देखोगे, आप ब्रांचिंग देखोगे, किसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है. जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका साइज कम हो जाएगा और अगर साइज कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल. नॉर्मल ब्यूटाइल मतलब बेटा 4 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में लगी हुई है. ओके, एन ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगी हुई है. आइसो का मतलब है बेटा 3 कार्बन स्ट्रेट में है और जो चौथी है वो या तो ऊपर लगी है या नीचे लगी है. उसी तरह सेकेंडरी ब्यूटाइल में फर्दर ब्रांचिंग बढ़ रही है. तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया कम हो रहा है और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है. ठीक है, लास्ट में टर्शरी ब्यूटाइल. टर्शरी ब्यूटाइल में बेटा और ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ रही है. टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है कि आपका ऊपर नीचे चारों तरफ जो है
ब्रांचिंग हो गई है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसमें ब्रांचिंग करने से ज़्यादा सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, ठीक है। और एक चौथा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आइसोमेरिक डाई हेलोजन कंपाउंड हो तो पैरा आइसोमर, सपोज देखो पैरा आइसोमर, ये पैरा आइसोमर है जो दो क्लोरीन है वो पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेरिजन टू ऑर्थो, क्योंकि आपको पता है कि जो पैरा है वो क्रिस्टल में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, फिट वेल इन क्रिस्टल, इसकी सिमिट्री ज़्यादा है, तो इसका पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज पैरा इज मोर सिमिट्रिक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज मोर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन बिकॉज अल्काइल हैलाइड आर पोलर एंड हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। अगर आप अल्काइल हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से कंपैरिजन करें तो एल्केन के कंपैरिजन में अल्काइल हैलाइड क्या है बेटा, पोलर। पोलर का मतलब है कि कार्बन और हेलोजन में जो बॉन्ड है तो हेलोजन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो दो डाइपोल्स बनते हैं अल्काइल हैलाइड में, तो पोलर होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एल्केन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आगे सॉल्युबिलिटी है, अल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, मैंने अभी बताया पोलर मतलब इनमें डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है, और इसका मतलब अगर ये पोलर हैं तो इनको पोलर में डिजोल्व होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर चीज़ पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होती है, नॉन पोलर चीज़ नॉन पोलर में डिजोल्व होती है, लेकिन ये पोलर होने के बावजूद भी पानी में डिजोल्व नहीं होते, जबकि हमें पता है पानी पोलर है, ठीक है, तो पानी पोलर है, इनको पानी में डिजोल्व होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज नीदर दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर नॉट दे कैन ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। हमें पता है कि पानी में वही चीज़ डिजोल्व होती है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, लेकिन अल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं, तो वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते। वो किस में सॉल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं, सच एज बेंजीन क्लोरोफॉर्म CCl4 एटसेट्रा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज जो फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते हैं वो जनरली लाइटर होते हैं पानी से, लेकिन जो ब्रोमाइड होते हैं वो हैवियर होते हैं पानी से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मोर द एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम और मोर द नंबर ऑफ हैलोजन एटम मोर इज द डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड भारी होगा, जिसमें हैलोजन एटम भारी होगा, या नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज़्यादा होंगे वो अल्काइल हैलाइड जो है ज़्यादा भारी होगा, ठीक है। ज़्यादातर मोस्ट सॉल्वेंट इन द इंडस्ट्री आर अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि आपको पता है क्लोराइड जल्दी बन जाते हैं, ईजिली बन जाते हैं, तो जितने भी सॉल्वेंट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो सारे अल्काइल क्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड नहीं बनते, क्योंकि अल्काइल क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ईजिली अवेलेबल होते हैं, इसीलिए जो है अल्काइल क्लोराइड इंडस्ट्रियल लेवल पे सॉल्वेंट की फॉर्म में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन क्लोरोफॉर्म CCl4 में सॉल्युबल होते हैं। दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। थैंक यू सो मच।